नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि नरेश मेहता जी को हम पढ़ रहे हैं। कवि नरेश मेहता जी की कविता सूर्योदय एक संभावना, सूर्योदय एक संभावना उसके जो पद है विगत वीडियो से हम पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सूर्योदय जो है कवि ने एक नई परिकल्पना यहाँ पर की है कि सूर्योदय के साथ ही जो प्राकृतिक परिवेश है किस प्रकार से खिल जाता है, विकसित हो जाता है, उसके रूप में यहाँ पर कवि ने अभिव्यंजना व्यक्त की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम देखते हैं आगे नरेश मेहता जी कविता सूर्योदय एक संभावना से अगला पद, चौथा जो पद है आपका, ये देखते हैं। अग्नि की ये गैरिक करुणा मनुष्यों की अपेक्षा वृक्षों में अनायास होती है, इसीलिए वृक्ष नैसर्गिक साधु चरित्र होते हैं। और जब मैंने पहली बार तुम्हें जाना तो लगा कि धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है, परंतु उस समय तक तुम अपनी धूप समेट चुके थे, सन्यासी के वस्त्र जैसे उस आकाश में उस धर्म ग्रंथ के नाम वाले स्वर्णिम अक्षर डूबते शेष थे, जैसे राग क्रमशः वैराग्य ले रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है नरेश मेहता जी ने जो सूर्योदय की जो परिकल्पना की है, प्रातःकाल का समय है और उस समय अरुण बिंब से युक्त अरुण रंग से अरुण आभा वाला लाल लाल रंग वाला जो सूर्य उदय हो रहा है और उस समय का जो प्राकृतिक प्रवेश कितना सुंदर लग रहा है, तो उस प्राकृतिक प्रवेश का सुंदर चित्रण करने का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और कवि सूर्य को लक्ष्य करके क्या कहते हैं देखिए आगे नरेश मेहता जी, थोड़े शब्द है इसमें कठिन जो है उनको देख लेते हैं। गैरिक मतलब होता है गैरवा रंग का जो साधु संन्यासी लोग धारण करते हैं, गैरवा जो रंग का वस्त्र होता है, ठीक है, गैरवा रंग का जो वस्त्र होता है उसको गैरिक वस्त्र कहा जाता है। और अनायास मने बिना प्रयास के ही, अचानक से ही, स्वाभाविक रूप से ही, ठीक है, इसीलिए वृक्ष नैसर्गिक का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक रूप से वृक्ष क्या होते हैं, साधु चरित्र होते हैं, यानी सज्जन चरित्र वाले, सज्जन आचरण वाले होते हैं। और यहाँ पर और कोई शब्द वैराग्य मैंने विराग वैराग्य धारण करना, राग सांसारिक विषय आसक्तियों से दूर होना, स्वर्णिम अक्षर मैंने सुनहरे अक्षर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ हम देखते हैं। अग्नि की ये गैरिक करुणा मनुष्यों की अपेक्षा वृक्षों में अनायास होती है, इसीलिए वृक्ष नैसर्गिक साधु चरित्र होते हैं। अग्नि में जैसे तपन होती है प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि में तपन होती है, ताप होता है, लेकिन उसके साथ अग्नि सर्दी की ऋतु में वही अग्नि या ताप जो है लोगों को आकर्षित करती है, लोगों की शीत से रक्षा करती है, सर्दी से बचाती है। तो अग्नि के दो गुण हो गए, अग्नि ताप भी देती है, तो उस ताप से सर्दी की ऋतु में, शीत ऋतु में वही ताप है वो लोगों के लिए हितकारी होता है, अर्थात वह प्यारे विद्यार्थियों सर्दी से बचाने के लिए जो है उसमें क्षमता होती है। इस कारण से अग्नि गैरवे रंग की अर्थात लाल रंग की आभा वाली करुणा होती है, यानी अग्नि में भी क्या है, करुणा है। तो यहाँ पर अग्नि भी लाल रंग की होती है, गैरवे रंग की होती है। तो यहाँ पर अग्नि की जो बात बताई है कि अग्नि में जिस प्रकार से ताप के साथ में उसमें करुणा भी होती है, अर्थात सर्दी की ऋतु को, शीत ऋतु को समाप्त करने की क्षमता होती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अग्नि की जो गैरवे रंग है, अग्नि का जो गैरवा रंग है, जो वह रंग की जो लाल रंग की आभा है उसमें क्या होती है, करुणा होती है। तो यहाँ लिख रहे हैं अग्नि की ये गैरिक करुणा, अग्नि की भी कैसी करुणा, गैरवे रंग की करुणा, ठीक है। तो यहाँ पर अग्नि की वो गैरवे रंग की जो करुणा है वह लाल आभा वाली करुणा रहती है, और उसी प्रकार से वृक्षों में भी करुणा रहती है। कि क्या करुणा कैसे रहती है, कि करुणा रहती है और उसमें प्यारे विद्यार्थियों
जैसे मनुष्यों की अपेक्षा अनायास ही रहती है कि मनुष्य में करुणा दया भावना वो अनायास ही, जैसे वृक्षों में अनायास जो दया भावना रहती है, वृक्ष हमेशा परोपकार के लिए ही फल देते हैं, अपने फल पुष्प जड़ तना पत्ते इत्यादि सभी हैं वो लोगों के हित के लिए ही होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वृक्षों को क्या कहा जाता है, करुणा की मूर्ति कहा जाती है, ठीक है। तो वृक्षों में करुणा का भाव रहता है और वह मनुष्यों की अपेक्षा अनायास ही रहता है, यानी मनुष्य में तो वो प्रयास करने पर वो करुणा के भाव होते हैं लेकिन उनमें तो अनायास ही रहते हैं। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वृक्ष है वो बिना याचना करने पर ही लोगों को सब कुछ देते हैं, फल फूल पत्ते इत्यादि सब कुछ दान दे देते हैं, ठीक है ना। वृक्ष का अपना कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तरवर फल नहीं खाते सरवर पिए न पान, ठीक है ना। जैसे वृक्ष है वो अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, इसी प्रकार से ये सब लोग हितकारी, साधु भी है वो लोगों के हितकारी होते हैं, वृक्ष भी हितकारी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हितकारी परोपकार की भावना, करुणा का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो वृक्ष जैसे बिना याचना किए ही छाया देते हैं, ईंधन देते हैं, पुष्प पत्र फूल सब देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मनुष्य पर अनायास वह उन पर दया भाव रखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इसीलिए वृक्ष नैसर्गिक साधु से, तो यानी प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से वृक्ष क्या है, साधु है, सज्जन है। जैसे सज्जन सभी मनुष्यों का क्या करते हैं, परोपकार करते हैं, सज्जनता का भाव रखते हैं, सभी से जो मधुर व्यवहार रखते हैं, इसी प्रकार से वृक्ष भी क्या है, स्वाभाविक रूप से साधु है, सज्जन चरित्र वाले हैं। वे अपने छाया फल फूल पत्ते ईंधन इत्यादि सब कुछ मनुष्यों को दया भाव के साथ बिना किसी प्रयास के उनको जो है दया भावना के साथ उनको प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से साधु हो गए, वृक्ष क्या है, साधु है। आगे देखिए कि और जब मैंने पहली बार तुम्हें जाना, इसलिए वृक्ष को स्वाभाविक रूप से हम क्या मानेंगे, साधु मानेंगे, जन्म जाति वो साधु है, सज्जन चरित्र वाले हैं। आगे पंक्ति देखिए कि और जब मैंने पहली बार तुम्हें जाना तो लगा कि धर्म ग्रंथ की को जानना क्या होता है। कौन कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, हे सूर्योदय, सूर्य को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं कि सूर्य जब मैंने पहली बार तुम्हें, तुम्हें किसको, सूर्य को, कवि कह रहे हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें, तुम्हें मैंने सूर्य को, तो सूर्य को जब से देखा या जाना तो पहली बार ये महसूस किया, अनुभव किया कि किसी धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है, किसी धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है। जिस प्रकार से सूर्य लोक कल्याणकारी है, सभी का कल्याण करता, अपने प्रकाश को देख करके समस्त वनस्पतियों पर, समस्त सृष्टि को जो अपने प्रकाश किरणों से प्रकाशमान करता है, अंधकार का नाश करता है, और चराचर जगत सूर्य से ही के प्रकाश से टिका हुआ है। तो इस प्रकार से कल्याण करने वाला है सूर्य। तो इसी प्रकार से कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें यानी सूर्य को जाना तो ऐसा लगा कि धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है, धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है। लेकिन जब मैं इस विषय में पूरी तरह से जान पाता तो तुम क्या कर चुके थे, परंतु उस समय तक तुम अपनी धूप समेट चुके थे। यानी जब तुम्हारे बारे में मैं जानने का प्रयास मैं करता रहा उस समय कि आखिर धर्म ग्रंथ क्या होता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि धर्म ग्रंथ जो है वह सब तुम्ही में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जब मैं तुम्हारे विषय में पूरी तरह से समझने का प्रयास करता हूँ तो उस समय तक तुम अपनी धूप समेट चुके थे, अर्थात संध्या हो चुकी थी, सूर्य अस्ताचलगामी हो गया था, ठीक है ना। तो अस्ताचल की ओर तुम चले गए थे, संध्या हो गई थी और तुम अस्ताचलगामी हो गए, छिप गए थे। परंतु सन्यासी के वस्त्र जैसे उस वृक्ष में, क्षमा करना, सन्यासी के वस्त्र जैसे उस आकाश में उस धर्म ग्रंथ के नाम वाले स्वर्णिम अक्षर डूबते शेष थे, और जैसे राग क्रमशः वैराग्य ले रहा था। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, अस्ताचल की ओर जब सूर्य जा रहे थे तब तुम्हारा प्रकाश आकाश में सन्यासी के समान लग रहा था, लाल वस्त्रों के समान, क्योंकि सूर्य उदय होते हुए और अस्त होते हुए लाल रंग की आभा लिए होते हैं। तो उस लाल रंग के प्रकाश को देख करके ऐसा लग रहा है कवि को कि अस्ताचल जाते समय तुम्हारे वो लाल रंग की किरणें एक सन्यासी के वस्त्र के समान, गेरवे वस्त्र के समान लग रही थी, और उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे धार्मिक आस्था के जो स्वर्णिम अक्षर होते हैं, सुनहरे जो अक्षर होते हैं, वे अब डूबने को शेष रहे हैं। यानी जो सूर्य की लाल रंग की अरुण रंग की जो आभा थी, किरणें थी, प्रकाश थे, रश्मियाँ थी, वो इस प्रकार से डूबते हुए सूर्य में किरणें इस प्रकार से लग रही थी जैसे कोई धर्म ग्रंथों का या धार्मिक आस्था का सुनहरा अक्षर लिखा जा रहा हो।
तो इस प्रकार से यहाँ पर धार्मिक आस्था के स्वर्णिम अक्षर अब डूबने को शेष थे और अब डूबने ही वाले थे। जैसे कोई राग क्रमशः वैराग्य ले रहा हो, राग मैंने प्रेम आसक्ति, राग का क्या अर्थ होता है, प्रेम आसक्ति, उसको राग कहेंगे। जैसे राग आसक्ति सांसारिक मोह माया वो सब वैराग्य विरक्त हो रही हो, वैराग्य ले रही हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव यहाँ व्यक्त हुए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे संसार आसक्ति है वो उब करके, जो संसार के लोग हैं वो प्रेम आसक्ति से उब करके, सांसारिक मोह आसक्ति से उब करके वैराग्य धारण कर रहे हो, ऐसे तुम डूबते हुए से लग रहे थे। इस प्रकार से तुम अस्ताचलगामी बन गए थे और अपना वैराग्य प्रकट कर रहे थे। तो यहाँ पर अस्ताचलगामी जो सूर्य है उसकी परिकल्पना करते हुए कवि यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांसारिक लोग है वो अपनी प्रेम और आसक्ति को छोड़ करके एक वैराग्य की भावना है उनमें आ गई है, उसी प्रकार से तुम अस्ताचलगामी होते हुए संध्या के समय तुम छिपते हुए अस्त होते हुए इस प्रकार से लग रहे थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के प्राकृतिक दृश्यों का लेकर के कवि ने यहाँ पर सुंदर भावों की अभिव्यक्ति की है। सूर्योदय का समय का बताया गया, फिर यहाँ पर अस्ताचलगामी जो सूर्य है उसका भी प्राकृतिक दृश्य है उनका चित्रण किया गया है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनको लेकर कवि ने सुंदर भावों की अभिव्यक्ति की है, ये बात देख सकते हो। दूसरी बात ये भी लिख सकते हो कि वृक्षों को परोपकारी और सज्जन बताया, कई ग्रंथों में नीति शतक इत्यादि ग्रंथ है उनमें वृक्षों को परोपकारी बताया गया है। ठीक है ना, अपने रहीमदास जी ने भी वृक्षों को परोपकारी बताया अपने दोहों के माध्यम से। तो कवि ने इसी आशय से वृक्षों को यहाँ पर नैसर्गिक प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से साधु चरित्र कहा है। और धर्म ग्रंथों के ज्ञान से ये भी आप लिख सकते हो कि धर्म ग्रंथों के ज्ञान से सूर्य की महिमा का पता चलता है कि सूर्य की क्या महिमा है। धर्म ग्रंथों में सूर्य की महिमा का वर्णन खूब किया गया है, तो धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो सूर्य की महिमा का वर्णन भी पता चलता है। और सूर्य भी संसार के कल्याण के लिए ही जो है अपना प्रकाश है वो करता है, अर्थात सदैव गतिशील बना रहता है। सूर्य जो है हमेशा अपने प्रकाश से धरती को, प्राणियों को, वनस्पतियों को प्रकाशित करता रहता है। आगे देखिए उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और मानवीकरण काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कल्पनाशीलता, कवि की कल्पनाशीलता और भावुकता का परिचय मिलता है। शब्द चयन जो है भावानुरूप है, प्रशंसनीय है, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। तो इस प्रकार से आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं अगला पद। संभव है कल फिर जहाँ भी तुम खड़े हो, धर्म ग्रंथों की पवित्रता वाला सूर्योदय हो और सावित्रिया नक्षत्र अभिषेक करे, जैसे वैसे पूर्वांचल पर तुम ऋतविज ही लगते हो। कितनी सुंदर बात कही है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर नरेश मेहता जी ने। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ अगर देखते हैं, सावित्रिया का मतलब क्या होता है, यहाँ बहुवचन के रूप में एक तरह से आया है, तो यहाँ प्रकाश की किरणों के रूप में भी आ सकता है, प्रकाश की किरणें, किरणों का समूह है, पुंज कह सकते हैं। और दूसरे इसके अर्थ में सावित्रियाँ यहाँ पर सूर्य का जो अभिषेक करने वाले वेद मंत्रों सूर्य के अभिषेक के मंत्र उनको भी सावित्रियाँ कहा जाता है, सावित्री कहा जाता है। अब देखिए पूर्वांचल का मतलब पूर्व दिशा या पूर्व क्षेत्र। ऋत्विज का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों यज्ञ पुरोहित, यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको ऋत्विज कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब देखते हैं इसका अर्थ। हम प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित सूर्योदय एक संभावना कविता शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें कवि ने अगले दिन जो सूर्योदय हो रहा है, अगले दिन के सूर्योदय को लेकर के अपनी संभावना व्यक्त की है। किस प्रकार से
जो नई संभावना व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि जैसे अगले दिन फिर से सूर्योदय होगा, फिर कुछ नया जो है सूर्य में जो है दिखाई देगा। अब देखिए अर्थ इसका कि संभव है कल फिर जहाँ भी तुम खड़े हो, कवि यहाँ पर कहते हैं कि कल फिर संभव है कि जहाँ तुम खड़े होगे वहीं पर फिर से सूर्योदय हो। कवि कह रहे हैं कि कल फिर ये संभव है कि जहाँ तुम खड़े हो वहीं सूर्योदय हो, और वह सूर्योदय कैसा हो, वह सूर्योदय में ग्रंथ में वह जो सूर्योदय वो धर्म ग्रंथ की पवित्रता वाला सूर्योदय हो, वह कैसा हो, धर्म ग्रंथों की पवित्रता वाला। वह सूर्योदय धर्म ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है पवित्रता का सूर्य के लिए, ऐसे सूर्योदय धर्म ग्रंथों में वर्णित और सारी सृष्टि में अपनी किरण पुंज से पवित्रता करने वाले प्रकाशित करने वाला सूर्य हो। तब ये भी संभव है कि और सावित्री नक्षत्र अभिषेक करे, जैसे पूर्वांचल पर तुम ऋतविज ही लगते हो। कवि नरेश मेहता जी कहते हैं कि ये भी संभव है कि वह जो दूसरे दिन का अगले दिन का जो नया सूर्य उग रहा है, उस नए सूर्य का पहले की तरह सावित्रियाँ अर्थात प्रकाश की प्रकाश से युक्त तो जो किरणों का समूह है या पुंज है, या फिर जो वैदिक मंत्र है जिससे सूर्य का अभिषेक किया जाता है, वो सावित्रियाँ और समस्त जो नक्षत्र है, तारे ग्रह नक्षत्र है, वो उनका अभिषेक करे। ये भी संभव है, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कल ये भी संभव है कि अगले दिन जब सूर्योदय होगा तो उस नए सूर्य का अभिषेक करने के लिए सावित्री अर्थात प्रकाश की किरणें और नक्षत्र है उनका अभिषेक करे, या फिर वेद मंत्रों के द्वारा सूर्य का अभिषेक किया जाए, या यूं कह सकते हैं कि उसे सम्मानित रूप से सम्मानित करके पूजित करके माना जाए, ठीक है ना, सूर्य की पूजा की जाए, सम्मानित किया जाए। और वैसे पूर्वांचल पर तुम ऋतविज ही लगते हो, कवि कहते हैं कि जो प्रातःकाल का जो सूर्य है उदय जब होता है सूर्योदय, तो प्रातःकालीन जो सूर्योदय है वैसे पूर्व दिशा में ऋतविज की तरह ही लगते हो, अर्थात यज्ञ पुरोहित की भांति लगते हो। कैसे लगते हो, ऐसा लगता है जैसे सूर्य प्रतिदिन इस धरती और सृष्टि को, इसे सूर्य क्या करते हैं, इस धरती व सृष्टि को, सृष्टि के चलाने के लिए, सृष्टि के गतिशीलता के लिए क्या करते हुए कर्म यज्ञ करते हैं, ठीक है ना, कैसा यज्ञ, कर्म यज्ञ, ठीक है ना। कर्म यज्ञ, तो कर्म यज्ञ करते हो ऐसा लगता है, तो पूर्व दिशा में उगता हुआ जो सूर्य है वो कैसा लग रहा है, ऋतविज की तरह यज्ञ पुरोहित की भांति, जैसे कोई यज्ञ कराने वाला जो पुरोहित है वो यज्ञ संपन्न करवाता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य भी यज्ञ पुरोहित की भांति इस धरती और इस सृष्टि या संसार के कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह एक तरह से सृष्टि का यज्ञ का जो है ऋतविज के समान ही लगता है, सृष्टि यज्ञ को करवाने के लिए ऋतविज के समान, पुरोहित के समान लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों सूर्य को क्या बताया गया है, ऋतविज यज्ञ पुरोहित, और वह क्या करता है, इस धरती और सृष्टि के को गतिशील बनाने के लिए कौन सा यज्ञ है, कर्म यज्ञ करता है, कर्म यज्ञ करता है, कौन, सूर्य, सूर्य रूपी ऋतविज, सूर्य को क्या माना है, ऋतविज माना है, कर्म यज्ञ पुरोहित माना है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों देखो लिखना है कि सावित्रियां जो शब्द है वो बहुवचन शब्द काम में लिया है, तो इसका एक अर्थ हम प्रकाश की किरणों से ले सकते हैं, प्रकाश की पुंज से ले सकते हैं तो उचित लगता है। वहीं सावित्रियां शब्द सूर्य को जो वेद मंत्रों में संबोधित करते हुए, सूर्य को संबोधित करते हुए जो वेद मंत्र है उसमें जो सूर्य का अभिषेक किया जाता है, सावित्री मंत्र होते हैं, सावित्री मंत्र से सूर्य का क्या किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, तो इसलिए भी सावित्री शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। कवि का ये भी अर्थ ये आज से ये भी है कि ऋग्वेद के सावित्री मंत्र से सूर्य का क्या किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। ये जो वेद मंत्र है कौन से में है, ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में जो सावित्री मंत्र है उस सावित्री मंत्र से सूर्य का अभिषेक किया जाता है, उन मंत्रों से सूर्य का क्या किया जाता है, अभिषेक किया जाता है।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर यह शब्द आया है। दूसरे विशेष पॉइंट में आप लिख देना, ऋत्विज यज्ञ अनुष्ठान करने वाले पुरोहित को कहा जाता है। ऋत्विज कौन है? यज्ञ को संपन्न कराने वाले, यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित को कहते हैं। और ये चार प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, होता, उद्गाता। पुरोहित कितने प्रकार के, यज्ञ पुरोहित कितने प्रकार के होते हैं? यज्ञ पुरोहित चार प्रकार के होते हैं, होता, होता और उद्गाता। अधर, अधवरयु, और ब्रह्मा। तो इस प्रकार से ये चार यज्ञ पुरोहित होते हैं, होता, उद्गाता, अधर्वयु और ब्रह्मा। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं, इन चारों की आवश्यकता होती है, इनकी उपस्थिति में ही यज्ञ संपन्न माना जाता है। और कवि का मतलब यही है कि सूर्य भी दिन रूपी कर्म यज्ञ का जो है ऋत्विज है। सूर्य भी क्या है? दिन रूपी कर्म यज्ञ का, कर्म यज्ञ का क्या है? ऋत्विज है। सूर्य क्या है? दिन रूपी कर्म यज्ञ का ऋत्विज है, पुरोहित है। अलंकारों की बात करें तो काव्यलिंग और उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, काव्यलिंग और उत्प्रेक्षा अनुप्रास, अनुप्रास काव्यलिंग और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, भाषा शैली तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। और नरेश मेहता जी की कविता ये सूर्योदय एक संभावना है, इसमें कुल 5 पद है। अगली ये कविता इनकी और है, वैष्णव यात्रा, ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में इसको लेंगे। तब तक के लिए इन दोनों व्याख्याओं को ठीक से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, इनको याद कीजिए, क्योंकि अंतिम पार्ट है तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है परीक्षा की दृष्टि से। और इसलिए इसको ठीक प्रकार से इन दोनों कविताओं को आपको पढ़ना है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।